कैसे महाठग बना सुकेश चंद्रशेखर, कैसे किए इतने सारे बड़े बड़े खेल, खेल के पीछे कैसे होती थी प्लानिंग। देश में इन दिनों सुकेश चंद्रशेखर का नाम सुर्खियों में है। वजह है उसकी बड़ी बड़ी ठगी के कारनामे। नेता से लेकर अभिनेता और राजनीतिक दलों से लेकर बड़े बड़े ऑफिसों में ठगी की घटना को उसने इतने शातिर तरीके से अंजाम दिया कि ठग के शिकार होने वाले भी उसके फैन हो गए। और सबसे बड़ी बात कि उसने ज्यादातर ठगी की घटनाओं को जेल के अंदर ही बैठकर अंजाम दिया। हाल ही में सुकेश चंद्रशेखर ने आम आदमी पार्टी को 60 करोड़ रुपए देने की बात कही थी, जिसके बाद अब उसने अरविंद केजरीवाल और सत्येंद्र जैन पर प्रताड़ना का आरोप लगाया है। लेकिन इन सब के बीच ये जानना जरूरी हो जाता है कि सुकेश चंद्रशेखर की हिस्ट्री क्या है, कहां और कैसे शुरू हुआ उसका महाठग बनने का सफर, और किन किन बड़ी हस्तियों को उसने अपने झांसे में लिया। सुकेश को स्कूल के दिनों से ही लग्जरी गाड़ियों का शौक था। वो बेंगलुरु के जिस स्कूल में पढ़ता था वहाँ उसके दोस्त एक से बढ़कर एक गाड़ियों से आते थे, क्योंकि सुकेश के पिता पार्ट टाइम मैकेनिक और सेल्समैन का काम करते थे। ऐसे में उनकी इतनी हैसियत नहीं थी कि उसे लग्जरी गाड़ी दिला सके। फिर 17 साल की उम्र में उसने पहली बार करोड़ों की ठगी की। तब उसने खुद को कर्नाटक के तत्कालीन मुख्यमंत्री एचडी कुमार स्वामी के बेटे का दोस्त बता दिया और अपने एक पारिवारिक मित्र से कहा कि उनका प्लॉट खाली करवा देगा। इसके बदले उसने 1 करोड़ से ज्यादा की ठगी की। पुलिस के मुताबिक सुकेश ने इन पैसों से लग्जरी पार्टी की, गाड़ी खरीदी, महंगे कपड़े खरीदे, ज्वेलरी के साथ साथ दूसरी एक्सेसरीज ली। वहीं जेल के बाहर निकलते ही उसने फिर कई लोगों को अपनी ठगी का शिकार बनाया और करोड़ों रुपए हड़पे। बाद में सुकेश ने एक से बढ़कर एक गाड़ियां ली। आईटी डिपार्टमेंट ने उसके कब्जे से 8 लग्जरी गाड़ियां रिकवर की हैं, जिसमें लैम्बोर्गिनी, पोर्श, बर्टले, रेंज रोवर, रोल्स रॉयस, बीएमडब्ल्यू, जगुआर और लैंड क्रूजर शामिल हैं। फिर साल 2009 में सुकेश चंद्रशेखर की मुलाकात लीना मारिया पॉल से हुई। पहली दोस्ती हुई, फिर दोनों ने शादी कर ली। देखते ही देखते लीना सुकेश की क्राइम पार्टनर बन गई। फिर साल 2011 में सुकेश ने यदुरप्पा का सचिव बनकर एक ठगी को अंजाम दिया। इस मामले में उसे जब जेल हुई तो लीना से उसका कुछ दिनों के लिए ब्रेकअप हो गया, लेकिन बाद में फिर दोनों साथ आ गए और मिलकर ठगी करने लगे। फिर सुकेश चंद्रशेखर ने एक ऐसी ठगी की घटना को अंजाम दिया जिसको लेकर सरकार और अधिकारियों के साथ साथ पूरा देश सकते में आ गया, क्योंकि मामला प्रधानमंत्री ऑफिस और गृह मंत्री से जुड़ा था। साल 2021 में फोर्टिस हेल्थ केयर के पूर्व प्रमुख शिविंदर सिंह की पत्नी अदिति सिंह दिल्ली पुलिस के पास पहुंची और उन्होंने बताया कि एक शख्स ने लॉक सेक्रेटरी बनकर उनसे 200 करोड़ रुपए ठग लिए हैं। साथ ही अदिति सिंह ने बताया कि उस शख्स ने उनसे वादा किया था कि अगर वो पार्टी फंड में पैसा देती हैं तो कानूनी पचड़े में फंसे उनके पति को बचाने में वो उनकी मदद करेंगे। अदिति सिंह ने बताया कि शख्स लैंडलाइन नंबर से फोन करता था और ट्रू कॉलर पर उसका नाम पीएमओ के अधिकारी के तौर पर आता था। उसने कहा कि वो पार्टी ऑफिस या नॉर्थ ब्लॉक आकर पूर्व कानून मंत्री या वर्तमान गृह मंत्री से मिल सकती हैं, जिसके बाद दिल्ली की स्पेशल सेल ने केस दर्ज किया और सुकेश को रोनली जेल से गिरफ्तार कर लिया, जहां वो पहले से ही बंद था। बाद में मामला ईओडब्ल्यू को ट्रांसफर हो गया। इस मामले में रोनली जेल के कई अधिकारियों पर भी गाज गिरी। सुकेश चंद्रशेखर के ठगों की जैसे जैसे जांच बढ़ी, सामने आया कि नोरा फतेही से लेकर जैकलिन फर्नांडिस जैसी एक्ट्रेस को भी उसने अपने जाल में फंसा रखा था। उन्हें वो समय समय पर करोड़ों के गिफ्ट्स भेजता रहता था, जिससे ये दोनों हीरोइन खुश रहती थी। हालांकि ईडी फिलहाल इस पूरे मामले की जाँच कर रही है। महाठग सुकेश चंद्रशेखर की सबसे खास बात थी कि वो अपने टारगेट से कभी खुद नहीं मिलता था। पहले वो सरकारी ठेको कंपनियों की पूरी जानकारियां खंगाल लेता था, फिर फोन के जरिए उन्हें टारगेट करता था और टारगेट इतना सटीक करता था कि शिकार खुद जाल में फंस जाता था। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।